जिला सभापति अमित गुप्ता के नेतृत्व में लगातार कारवा बना रही तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ। आज तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ टाउन 2 के तरफ से रविवार को भाटपाड़ा 17 नंबर वार्ड में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। शामिल तमाम अतिथियों ने सराहना किया इस कार्यक्रम का। हिंदू का है, मुसलमान का है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, उस समय लक्ष्य यही रहता है कि किसी भी सूरत में जो है रक्त जो है ब्लड जो है हमें मिल जाए, जिससे हमारे मरीज की जान बच जाए। আমাদের কাছে জাত ধর্ম আগে না, আমাদের কাছে পেটের খিদেটা আগে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের পেটের জ্বালা, পেটের খিদে হিসাবে অমিত গুপ্তা তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের ব্যানার নিয়ে মানুষের কল্যাণে এই গরমের মধ্যে চরম তাপদান উৎসব চালাচ্ছে। এই রক্তটা কিন্তু আরেকটা মানুষেরই লাগে না। रक्त हम लोग देते हैं और रक्त को एक दूसरे के काम है, इसीलिए इतने बड़े आयोजन के साथ कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पर सांसद जी आने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन मैं अमित गुप्ता जी को फिर से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पूरे बैरकपुर लोकसभा में सांसद अर्जुन सिंह को लेकर जो रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रकार तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के जिला मीटिंग में ही हम लोगों ने संकल्प लिया था और उस संकल्प के तहत बैरकपुर में ब्लड डोनेशन कैंप ड्राइव का आरंभ हुआ, उसके बाद खरदा, उसके बाद गरुलिया, उसके बाद आज भाटपाड़ा में देख रहे हैं आप लोग हो रहा है, इसके बाद बीजपुर में है, उसके बाद आपका नहट्टी में है। इसी तरह जिला के हर विधानसभा में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ब्लड बैंक में पहुँचाने का काम कर रहे हैं ताकि ब्लड के कमी से किसी को जान न गंवाना पड़े। और आज आप लोग देख रहे होंगे इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी का उपेक्षा करके भी लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और लोग यहाँ आके ब्लड दे रहे हैं। ये एकमात्र ममता बनर्जी के सैनिक द्वारा ही संभव है। आज देख रहे होंगे जब बालासोर में जो घटना हुई, आज जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो टक्कर अवरोध यंत्र जो है हर रेल में लगा रहता था ताकि रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सके, किंतु आज की केंद्र की सरकार अपने तमाम एजेंसियों को विरोधियों का आवाज को दबाने का काम पे लगाती है। आज इन एजेंसियों को अगर देश के सुरक्षा के काम पे लगाए, रेल के सुरक्षा के काम पे लगाए, तो मुझे लगता है ये जो 300 लोग जो मर गए आज ये बड़ा दुर्घटना नहीं होता। इस घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। आज फिर एक बार जरूरत है केंद्र सरकार को अपने अंतरिम सुरक्षा का ऊपर ध्यान देने का, ना कि गणतंत्र में कोई आवाज उठाता है तो गणतंत्र में सभी को अधिकार है आवाज उठाने का। आज तेल डीजल का दाम बढ़ेगा तो क्यों नहीं आवाज उठाएंगे, महंगाई बढ़ेगा तो क्यों नहीं आवाज उठाएंगे, गैस का दाम जहां 400 था आज 1200 हो गया तो क्यों नहीं आवाज उठाएंगे। आज सरकारी संस्थानों को बेच दिया जा रहा है, उसका निजीकरण कर दिया जा रहा है तो क्यों नहीं आवाज उठाएंगे। तो यही आवाज उठाने का फल यही है कि केंद्र एजेंसियों द्वारा उस आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो आप आवाज उठाए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस आवाज उठाए, जो भी विरोधी मोदी और बीजेपी के विरुद्ध आवाज उठाएगा उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। भाटपाड़ा से एमडी हुसैन की रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स स्कूलिंग फॉर स्टूडेंट्स गुरुकुल ग्लोबल स्कूल। Home away from home.